मारेगी। अभी 6 महीने में है तो यहाँ पर आधी आधी रात को उठ के यही नाटक है तेरे। 6 साल कैसे काटेगी? जाने दे, थोड़ा और वक्त जाने दे, फिर तू भी मेरी तरह रात रात भर जागेगी सुबह के इंतजार में। जेल में रात भी तो कटती नहीं साली, बड़ी लंबी लगती है। ए सुन, मारेगी? मिसेज रेशमा सिंघानिया, अगर सिगरेट पीने नहीं आती हो तो ये जरूरी नहीं कि उसकी तौहीन की जाए। मिस्टर अविनाश सिंघानिया, अगर बीवी को कुछ करना नहीं आता हो तो पति का फर्ज बनता है कि वो उसे ठीक से सिखाए। ओके अच्छा, कौन पति अपनी पत्नी को सिगरेट पीना सिखाता है? लाओ लाओ, चलो चलो, बहुत हो गया। नाक से धुआं कैसे निकालते हैं? जस्ट चलो ऐसे चलो, धुआं अंदर लेके जाओ। क्यारी, टीबी हो गई क्या? साली नींद खराब करती है, एक कपड़ा ठूस इसके मुंह में। तू जान है यार, तू दिमाग खराब करती है, जा जाके सो। नहीं नहीं है, सीख जाएगी, सब सीख जाती है। तो सीख गई थी। सुनिए, टेलीफोन डायरेक्टरी में लगी क्या? क्यों, कसम को फोन करना है क्या? टेलीफोन डायरेक्टरी मिलेगी फिर कहेगी फोन लगाना है? पिकनिक मनाने आई है क्या यहाँ पर साली? चुपचाप खाना खा वरना भुस भर दूंगी, समझी? बहुत जरूरी फोन है, मेरा बच्चा, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। साली, कत्ल करते वक्त बच्चे का ख्याल नहीं आया था? बच्चे से बात करनी है। चल साली। ए माँ की सगी, चल घुमा फोन। हेलो, 435252। हाँ जी, श्रुति है, श्रुति रॉय। कहाँ मिलेंगी? अच्छा, कोई और बता सकता है? जी
श्रुति रॉय होंगी? आप बता सकते कहाँ मिलेंगी? बाल वाटिका? जी हाँ, मैं श्रुति रॉय से बात कर सकती हूँ? नहीं नहीं, वो पढ़ाती हैं, वो जूनियर क्लासेस को पढ़ाती हैं। आप जरा पता तो कीजिए ना, वो वही पढ़ाती हैं। आप दोबारा से चेक कीजिए। हेलो हेलो, कुछ तो पता होगा, उन्होंने कोई एड्रेस तो छोड़ा होगा। आप अपने बेटे से पूछ लीजिए, हो सकता है उनके पास हो। मैडम प्लीज, बहुत अर्जेंट है, आप एक बार पूछ के तो देखिए, हो सकता है उन्होंने कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस छोड़ा हो। नहीं सॉरी, मैं चिल्ला नहीं रही, एक्चुअली बात ही थोड़ी अर्जेंट है, आप प्लीज। ए, चल छोड़ अभी, बतुआ बड़े साहब आ गए ना तो मेरी नौकरी जाएगी। चल बोला ना तेरे को। मैडम प्लीज एक फोन। नहीं बोला ना? एक फोन, एक फोन आखिरी। चल ठीक, जल्दी से कर। हेलो हेलो विक्रम, मैं रेशमा बोल रही हूँ। रेशमा तुम? जेल से बोल रही हूँ। विक्रम तुम आ सकते हो? हाँ मैं आऊंगा रेशमा, लेकिन क्या बात है बताओ तो सही। ऑल इज वेल नो? कल आ जाओ प्लीज, इट्स अर्जेंट। हाँ मैं आऊंगा, मैं कल आऊंगा रेशमा। प्रॉमिस, या ही विल कम ना? ठीक है, तुम कल आ। हेलो, ए चल रख दे, बहुत हुआ, चल रख, फूट अभी। ए जल्दी करना। कैसी हो तुम? यहाँ कोई कैसा हो सकता है? विक्रम भाई, श्रुति, श्रुति कहाँ है? श्रुति? हाँ। मुझे नहीं पता रेशमा, आई एम नॉट इन टच विद हर। वो तुमसे मिलने नहीं आती है? 3 महीने से वो नहीं आई। मैंने उसके घर फोन किया, उन्होंने कहा उसने ये जगह छोड़ दी है। क्या? हाँ, मैंने जहाँ जहाँ फोन किया किसी को उसका कुछ पता ही नहीं है। आकाश उसके पास है। पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वो शहर के बाहर गई है तो उसे बता के जाना चाहिए। उसने मुझे प्रॉमिस किया था, हर 15 दिन वो आकाश को मुझसे मिलने आएगी। It's been 3 months, 3 महीनों से मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। विक्रम प्लीज हेल्प मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। डोंट वरी रेशमा, मैं पता करता हूँ, हो सकता है वो खुद किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। प्लीज ट्रस्ट मी रेशमा, जस्ट रिलैक्स। I have always trusted you. ए, चिंता मत कर, मिल जाएगा तेरा बच्चा। मेरे अंदर से जब जब बात निकलती ना सच्ची होती है, और ये बात अंदर से निकली है। मैं अंदर की बात को मानती हूँ। पहली बार तब मानी थी जब उसका खून किया, वही जिसने मेरे बच्चे को पेट में मार दिया। उसी का बच्चा था वो, डरता था साला अपनी बीवी से। साला डरपो, मैं उसके लिए अपने बच्चे को काय को मारती? रात में सोई तो पत्थर उठा के मेरे पेट में मार दिया। मैंने वही पत्थर उठा के उसके सर पे मार दिया। क्या करती मारेगी? Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
आकाश, श्रुति। ए प्लीज एवरीबॉडी एंजॉय योरसेल्फ। अरे बार बार पे जाओ। थैंक यू, थैंक यू। इतना भाग रहे तुम? केक काटे तो बयान हुए? बहुत शैतान है ये, पूरे घर में नचा के रख दिया है। कभी-कभी मुझे लगता है मैं इसके टीचर नहीं, ये मेरा टीचर है। इतने सवाल करता है कि बस। अगर जवाब नहीं हो तो हमसे पूछ लिया करें। विक्रम। हाय रेशमा। हाय। आपसे तो हम फीस भी नहीं लेंगे। ए, 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 ए। ये अपनी वकालत ऑफिस में छोड़ गया है अगर। हाँ पहले बता प्रेजेंट क्या है? तेरा जन्मदिन है क्या? रेशमा का जन्मदिन है, उसे ही दूंगा। हैप्पी बर्थडे रेशमा। थैंक यू। यार एक बात तो बताओ रेशमा, आज के दिन तुम अकेली पैदा हुई थी या भगवान ने तुम सा सुंदर किसी और को भी बनाया? एज ब्यूटीफुल एज यू। थैंक्स बट व्हाई? नहीं अगर पता चल जाए तो उसे उठा लाऊंगा। और अगर वो भी शादीशुदा हुई तो क्या हुआ? उसके पति को मार के उठा लाऊंगा। ए, 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 फांसी चढ़ना है क्या? हाँ रेशमा जैसी पत्नी अगर मिल जाए अविनाश तो मैं 2-3 बार फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। आई मीन इट। ओके इनफ 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 ऑफ दैट नाउ। खैर दारू नहीं पिलाएगा क्या? चम्मच से पिलाऊं तेरे को? वो बाहर है वहां पे नहा ले जाके। तू नहीं चलेगा साथ में? मैं पीता हूँ यार। तो मैं दारू से नहाऊंगा, तू पीठ खुजा देना। सुधरेगा नहीं तू। है चल चल आ जा। गॉड ब्लेस यू। कम ऑन। सुनो वहाँ पे ड्रिंक्स। आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम। सच? मच। थैंक्स। आकाश का यही खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। एक पल भी आंखों से दूर हो जाए तो मेरी जान निकल जाती। एंड वेयर इज माय हस्बैंड हु माय। हे मिस्टर सैगल, देवराज की पेंटिंग देख रहे हैं? कमाल की पेंटिंग है ना? कमाल। भाई ये पेंटिंग मैंने उसकी लास्ट एग्जीबिशन में खरीदी थी 10 लाख रुपए में। वर्थ है। 15 भी मांगता तो दे देता। देवराज पेंटर नहीं, जादूगर है जादूगर। एक बात कहूं, अगर मैं अपने आप को बेच के भी उसकी पेंटिंग खरीद सकूं तो मैं उसकी पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है तुम अविनाश को रोकना चाहिए रेशमा। 10-10 लाख की पेंटिंग्स, इट्स एब्सोल्यूट मैडनेस, पागलपन है ये। जहां तक पेंटिंग्स का सवाल है तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकती। वो मुझे छोड़ सकता है, देवराज की पेंटिंग्स को नहीं। तो तुम्हें दुख है इस बात का? A little jealous, थोड़ी सी जलन होती है। लगता है अगर मैं पेंटिंग होती तो शायद मुझे ज़्यादा प्यार करती। लेकिन अभी भी वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पूछो मत। ओके नहीं पूछता। Are you ever serious? Trust me, रेशमा, आज दिन में मैं एक बार सीरियस हुआ था। अच्छा कब? अभी कुछ देर पहले, जब मैंने कहा था तुम जैसी सुंदर औरत शादीशुदा हुई भी तो मैं उसके पति को मार के उसे उठा लाऊंगा। तब बहुत हो गया मजाक का, स्टॉप इट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। दिन में दूसरी बार? लाइफ में पहली बार। ओके कूल कूल। जानती हो आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी पेंटिंग से ज्यादा? कहीं ज्यादा। पेंटिंग बोल नहीं सकती और तुम बोलती हो। पेंटिंग हंस नहीं सकती और तुम हंसती हो, और वो प्यार भी नहीं कर सकती और तुम। स्टॉप इट अविनाश, स्टॉप इट। श्रुति और विक्रम अभी अंदर। अरे तो होने दो ना यार। भाई तुमसे शादी की है, कोई भगा के तो नहीं लेके आया हूं? शादी को 7 साल हो गए, आपकी बीवी पुरानी हो गई है। लेकिन क्या करें, तुम्हारा नशा तो पुरानी शराब की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। ये भी तुम्हारे साथ कहते हो? याद है तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ याद है, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। क्या? सोचो। लगता है मैं तुम्हें बर्थडे किस करना भूल गया। दिन में 50 बार तो ऑलरेडी कर चुके हो, वो बात नहीं है। तो फिर क्या क्या भूलो, तुम ही बोलो ना यार। You forgot to give me my birthday gift. I'm so sorry, baby. I'm so sorry. चलो। कहाँ? Bedroom में। अभी फिर से? Stop it. अरे भाई जब gift bedroom में रखा है तो वहीं दूंगा ना। चलो। No. Come on, sweetie pie. You doing that? अभी stop. Listen, what? What are you doing, Baba? आंखें बंद करो। क्यों? मत करो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, नहीं अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें।
ओके अभी डोंट ओके ओके कुछ नहीं करता ठीक है आंखें नहीं खोलोगी तुम ओके हां ओके एक मिनट है अब आंखें खोलो ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट एक और पेंटिंग ये पेंटिंग नहीं इस पेंटिंग में बना है फार्म फार्म हाउस की पेंटिंग तुम चाहती थी ना कि हमारा एक फार्म हाउस हो तो ये फार्म हाउस आज से आपका है योर बर्थडे गिफ्ट प्लीज टेक इट आज की रात एक खूबसूरत रात हम दोनों अपने इस खूबसूरत से बंगले में बिताएं आकाश का स्कूल है वह उसे मैं संभाल लूंगी I'm sorry आकाश सो गया था तो मैं उसके लिए ब्लैंकेट लेने आई थी मुझे लगा तुम दोनों बाहर लॉन में हो I'm really sorry It's okay Come on, Reshma. तुम लोग चाहो तो आकाश आज मेरे पास रह जाएगा. Hey, Shruti, we don't want to trouble you, okay? Come on, Avinash. It's perfectly okay. Really, Reshma, go enjoy yourself. Hey, what do you say? Let's go. Yeah. Let's yeah. go. Okay. Thanks so much. कोई भी problem हो, Avinash के cell पे phone कर दे. Okay. Bye. Hey. This is all yours. Oh my God! This is amazing. This is amazing. तुमने मुझे बताया नहीं इतनी खूबसूरत जगह है? Hey! तुमने रात में सब देख लिया? जिस जगह की खुशबू इतनी अच्छी होगी, it's gotta be beautiful. Hey! मुझे लगता है तुम्हें अपनी खुशबू आ रही है. मुझे लगता है. आजकल आप कुछ ज्यादा जरूरत से रोमांटिक हो रहे हैं हेलो सर ओह ये तो मोहन है इस फार्म हाउस का केयरटेकर मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया साहब गुड मैं पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में हूँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिए ओके जन्मदिन मुबारक हो मैम थैंक यू ए चलें ओ अभी दिस इज सो सो ब्यूटीफुल थैंक्स मेरे जन्मदिन पर इतना सुंदर तोहफा यू नो हमेशा से मेरा सपना था ये मुझे मालूम तुम्हें कैसे मालूम मैंने सपने में देखा था ऐसा कभी होता है क्या कोई किसी के सपने में अपना सपना देख ले सुन रही क्या तुम्हारी सांसें तब इन सांसों पे तुम पे कदम फिर के तुम्हारे हमेशा हुँ।